ये रहा 1.5 लाख रुपए का फोन, ब्रेड में छुपाकर सेटिंग तक पहुंचा देता हूँ। ब्रेड के अंदर आईफोन, वो भी पूरे 1.5 लाख रुपए का। और उसके पापा को खबर भी नहीं होगी कि फोन कहाँ से आ गया। वाह भाई वाह, दिमाग हो तो तेरे जैसा। ये हो गया अपना ब्रेड तैयार। अरे छोटू। हाँ भैया। ये ब्रेड है जो गोपाल वर्मा की बेटी है ना। हाँ देखा है। उसके घर तक पहुँचाना है ये। हाँ ठीक है, अभी पहुँचा देता हूँ। हाँ अभी नहीं, थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद जाइयो। ठीक है। उसको ये वाला ब्रेड बहुत पसंद है, मैं इतने काम करके आता हूँ, भूलिए मत, बहुत जरूरी ब्रेड है, उस तक पहुँचाना। अरे वाह, ये तो निकल गया। मेरे ख्याल से छोटू को पता भी नहीं है कि ब्रेड के अंदर आईफोन है। एक काम करती हूँ, इस छोटू से ये ब्रेड का पैकेट लेती हूँ किसी भी हाल में। हाँ छोटू। हाँ दीदी। ये ब्रेड कितने का दिया? ब्रेड 40 रुपए का। 40 रुपए, ये पकड़ 40। अरे दीदी ये क्या कर रही हो? इस ब्रेड की बात नहीं हुई है, ये रखे इतने सारे ब्रेड, इनमें से ले लो। मुझे उनमें से नहीं चाहिए, मुझे तो यही वाला ब्रेड चाहिए। नहीं नहीं दीदी, मैं आपको ब्रेड नहीं दे सकता, मेरे भैया ने ना ये किसी के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है। अरे तेरे भैया को क्या पता चलेगा, अगर तू इनमें से उठा के दे देगा, मुझे ये वाला ब्रेड दे दे। नहीं नहीं दीदी, मैं आपको ये ब्रेड नहीं दे सकता, मेरे भैया ने मना करा है। अरे यार ये तो बहुत ठीक है। सुन मैं तुझे ना 80 रुपए दूंगी, अब तो देगा? नहीं दीदी, एक काम करता हूँ, मैं भैया से पूछ लेता हूँ कि ये ब्रेड किसी को देना है कि नहीं। अभी मैं भैया को फोन करके पूछ लेता। अरे नहीं नहीं, भैया से पूछने की क्या जरूरत है, मैं तुझे 80 रुपए दे रही हूँ ना, तू मुझे दे दे ये ब्रेड। अरे यार ये तो बहुत ढीठ और ईमानदार भी है, कुछ और ही लगाना पड़ेगा जुगाड़। अच्छा सुन, भैया को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तू बार बार कॉल करेगा तो तेरे भैया परेशान हो जाएंगे ना और तुझे डांटेंगे भी। एक काम करती हूँ, मैं तुझे इस ब्रेड के पूरे 4000 रुपए देती हूँ। 4000? नहीं नहीं दीदी, मैं आपको ये ब्रेड नहीं दे सकता, एक बार मैं भैया से पूछ ही लेता हूँ। अरे तू बात बात पर अपने भैया को कॉल क्यों लगा देता है, अरे उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है। तू मुझे ये वाला ब्रेड दे दे और जो तेरे भैया ने ऑर्डर के लिए ब्रेड रखा है इनमें से उठा के दे दियो। नहीं नहीं दीदी, मैं भैया के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, अगर भैया को पता चला मैंने उनके साथ बेईमानी करी है वो तो मेरे को नौकरी से ही निकाल देंगे। देख अगर तेरे भैया को पता चला कि तूने ये ब्रेड पूरे 4000 रुपए में बेच दिया वो बहुत खुश होंगे। चलो ठीक है, अगर वो खुश नहीं होते हैं तो उस पर गुस्सा करते हैं कि उनके ऑर्डर वाला ब्रेड तूने क्यों बेच दिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, तुझे नौकरी से निकाल देंगे। और अगर नौकरी से निकाल भी देंगे तो 1 महीने की पूरी सैलरी मैं दे दूंगी। तेरी सैलरी कितनी है वैसे? एक काम करता हूँ, इनको अपनी सैलरी बड़ा चढ़ा कर बता दो, मेरी सैलरी 15000 है। 15000 रुपए? ये देख ये पकड़, पूरे 15000 रुपए। और ये ब्रेड का पैकेट मुझे दे दे, टेंशन क्यों ले रहा है, नौकरी से निकाल भी देंगे तो तेरा क्या नुकसान होगा, तेरी सैलरी तो मैंने ही दे दी पूरी की पूरी। वैसे दीदी आपने इस ब्रेड के इतने पैसे क्यों लगा दिए? देख बच्चे तुझे समझ में नहीं आएगा, तुझे समझ में तो आएगा लेकिन बहुत देर हो जाएगी जब तू नौकरी से निकल जाएगा। कुछ बोला आपने? नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। चल ठीक है, अब इन पैसों को ले जा और मौज कर। अबे छोटू मुझे लगता है वो लड़की तेरे जाल में फंस गई। हाँ भैया वो लड़की हमारे जाल में फंस गई और पूरे 15000 रुपए में बिक गई वो ब्रेड। देखा मैंने तुझे घर पे क्या कहा था, जब ये सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चल बेटा छोटू इन पैसों को गले में रखियो, मैं इतने और कोई आइडिया लेकर आता हूँ शिकार बनाने का। ठीक है।